राजधानी रे खोलिला समस्त धर्मानुष्ठान। कोविड नियम मानि भगवान को दर्शन कले श्रद्धालु। 15 वर्षरु कम बयसर पिलांकु मंदिर प्रवेश पई अनुमति। कमिला कोरोना संक्रमण, भक्त भगवान को रहला मिलन। ओमिक्रॉन जोगु मासाधिक काल बंद थिवा बेले आजिठु राजधानी रे समस्त धर्मानुष्ठान खोलिछि। सकाळु सकाळु भुवनेश्वर विभिन्न देवादेवी पीठ रे श्रद्धालु मानक भिड़ देखबाकु मिलिछि। सबुठि बीएमसी पक्षरु कोविड नियम अनुजाई दर्शन करिवार व्यवस्था करा जायछि। राजधानी रा प्रमुख शैवपीठ लिंगराज मंदिर रे स्वतंत्र व्यवस्था होइतुआ बेले मंदिर भितरे एकाथरे 100 जन श्रद्धालु दर्शन करिपरिबे बोली बीएमसी पक्षरु अनुमति मिलिछि। बहुत भल लागिला तो महाप्रभु को आमे प्रार्थना करलु आमरे कोविड सब जो नियम सब किछि आमे उद्धार करंतु। आगरु आमे जाई पनथले सेति पई पिला माने आसी पनथले दर्शन करि पनथले बट आज आसिक आम समस्ते सांगे दर्शन कलु बड़ एकादेश बहुत खुशी लगे। हाँ कोविड नियम मतलब समस्ते मास्क तो जरूरी पिंचती लोक भी बेस ना सोशल डिस्टेंस भी रोचे बहुत भल लगुच। पांच वर्ष पर मुझे दर्शन कली पी आगु तो छाड़ ना कोविड बजे से छुआ मान को आज बहुत धन्य लगे ठाकुर को देखिए के समय पर समस्ते तो मास्क पिंचती डिस्टेंस मानते। अन्यपटे चलित थर 15 कम बयस पिला मंदिर प्रवेश नहीं अनुमति मिली। दीर्घ 2 वर्ष पर मंदिर आसीथिबारु पिला भितरे उत्साह देखा मिलता। कोविड कटकणा भितरे मुहरे मास्क और सामाजिक दूरता भितरे आजिठु दर्शन करा। केवल मंदिर नुहे चर्च मस्जिद्रे दर्शन पाई स्वतंत्र व्यवस्था करा। अधिका खोलिया को गवर्नमेंट जदि करछंती बहुत भल कथा आ अधिका लोक भी आसीबे आते कि कहबार ना तो सब ठीक अच्छे। स्कूल भी छोट पिला खोला है नहीं कि छोट पिला आम गाइडलाइन आज जा तो नोटा तो आसनी कमिटर प्रेसीडेट पाक कि आम गाइडलाइन हिसाब से जानलु कि छोट पिला खोला हो जापर एर कि ना भल है गवर्नमेंट पर बहुत भल जिन कले सरकार जो अनुमति देमें सरकार निकट धन्यवाद अटू जितेबले सबकि खोली जाइला केवल मंदिर मस्जिद चर्च बंद थिला आउ से समय आम चाहूलु जे आमर उपासना गृह गुड़िक भी खोलू लोक मैंने प्रार्थना करने आसतु आम बहुत खुशी जे आम मानकर आसंता काली उपासना गृह उन्मुक्त रहइबो आउ लोक मैंने आसबे आमर जो विश्वासी मैंने आसबे उपासना करने। धीरे धीरे स्वाभाविक आड़क गति करुछि राज्य। क्रम मंदिर खोलिबाकु निष्पत्ति नेइछि बीएमसी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव महांती चिन्मयी साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।